बज रहे हैं सुबह के 5:45 एंड मैं जा रहा हूँ जिम एंड अब घर में काम चल रहा है, सब सब बर्बाद पड़ा हुआ है एकदम, बट जिम में मजे आएंगे। एंड अब मैं खा रहा हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील जो कि रोज़ सेम होता है एवरी डे, 8 eggs का ऑमलेट और साथ में 4 bread slices और साथ में कोई सॉस, जैसे मैं जनरली चिली शेजवान गार्लिक सॉस खाता हूँ, बट अभी मैं थोड़ी मस्टर्ड लगा के खा रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा चेंज करने का मन है। तो यार आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, पहले मेरे को रील्स शूट करनी है नेक्स्ट वीक की सारी, अभी उसके लिए मैं अभी शेव कर रहा हूँ, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद मेरे को जाना है एक पॉडकास्ट के लिए जहाँ पे काफ़ी फन होगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट मेरे को गुड़गांव जाना है भाई, मैं घर से 2 घंटे दूर है गुड़गांव, पर ठीक है जाऊँगा, फिर रात को एक पार्टी में जाना है। क्या मेरे को इतना तो मैं एक ना BYB जो मेन चैनल हमारा उसके ऊपर एक वीडियो आ रही है शेविंग के ऊपर, 4 beard cells दिखाया उसमें शेव करके, तो उसके लिए भाई मेरे को पूरी शेव करनी पड़ी, अच्छी खासी मेरी भरी हुई बियर्ड थी, मुझे वैसे ही पसंद है, मतलब एकदम मेरे को थिक बियर्ड पसंद नहीं है बट थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए बियर्ड, बट मेरे को वैसे ही पसंद है, लेकिन यार वही वीडियो बनाने के लिए फिर करना पड़ा। बट एनीवे यो व्हाट अप, इतना ज्यादा ट्रैवल करके मेरी गांड फट चुकी है इतने ट्रैफिक में ट्रैवल कर करके, एंड नाउ आई एम एट अनमोल्स प्लेस फॉर द पॉडकास्ट। दिस वन व्हाट्स अप गाइस, आई हैव फिगर्ड, या सो वी आर गोना शूट अ पॉडकास्ट राइट नाउ, वी वर शूटिंग अ पॉडकास्ट बट पहली बार ही फक अप हुआ है, आई स्वेयर दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड संचित इज गोना थिंक दिस इज हाउ वी ऑपरेट, बट वी आर एक्चुअली अ वेरी वेरी वी आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन, एज यू कैन सी अराउंड यू, दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप, आई एम किडिंग, वी आर नॉट क्लियर, सो दैट विल बी आउट ऑन व्हाट्स द नेम ऑफ द चैनल, it's called the pod stars, will be out this Tuesday. When do you upload this vlog? On my channel, Sunflower Vlogs. I know, but when? Yeah, when does this come out? I don't know. Okay, you can check us out on the pod stars. The spelling is literally that. The pod stars with a Z, if you can see it. I'm gonna go back to recording. Bye. So the audience knows that right now you're being humble, that you are having regular sex. नहीं कोई करता ही नहीं रहा मेरे साथ, मैं क्या करूं, जो बोल गाइस ही इज लाइंग, एवरीबॉडी हूएवर्स ऑन दिस पॉडकास्ट इज हैविंग रेगुलर सेक्स, वी आर अ बिग कंट्रास्ट फ्रॉम व्हाट माय इंस्टाग्राम इज, नो मुट्ठी ओनली सेक्स, समवन एल्स डज इट फॉर यू, एग्जैक्टली, इट्स टेक्निकली अ डिफरेंस ऑर्डर मुट्ठी, बट हाथ मेरा लेफ्ट हाथ नहीं है, मोर लॉयल, बट एनीवे फिर इट्स एनीवे मोर फन व्हेन इट्स योर लेफ्ट हैंड, आई एग्री, या इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फन बिकॉज इट्स द सेम साइज as your regular hand, but also it's like a new feeling because it's different. Oh, no. Left is my regular hand. Oh, okay. Then isn't your right hand more fun? Because even though it's the same size, so the grip is same, the but it coverage just feels foreign. Yeah, it feels foreign. Yeah. But the cover, so it's like a girl with the same hand as yours. The thing about me is that I've become ambidextrous with my masturbation. It feels the same with both hands. ये तो बता तूने क्यों दोनों हाथ यूज़ करना स्टार्ट किया? Before I had Chirag call you, I was like, भाई तू बता मेरे को इसको कितना मिल रहा है, मतलब ये ऐसे ही तो नहीं डेढ़ होना जा रहा है। वो पैसों की बात करने लगे, नहीं पैसे नहीं, सेक्स कितना मिल रहा है? Who cares? Is he getting enough? Chirag ने बोला कि मेरे को सेक्स मिल रहा है। I was like, चल फिर ठीक है। And then we're all on the same. Chirag से तो मैं सेक्स लाइफ डिस्कस करी हुई है मैंने। करी है या फिर he's also a part of the sex life? Maybe. तो रील्स शूट करने में मुझे आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ जो काम आपको बहुत पसंद भी हो, बाय द वे ज्ञान चौक टाइम, जो काम आपको बहुत पसंद भी हो और जो आप कर भी रहे हो उसमें कभी कभी कुछ ऐसे दिन आएंगे जब आपको मज़ा नहीं आएगा, नहीं आया मुझे मज़ा, मैं यहाँ पे क्लिप चलाता हूँ वो रील बना के, जब वो रिकॉर्ड हो गई तो मेरा शक्ल कैसी थी, मतलब मेरा मन नहीं था, और आज घर पे काम भी चल रहा है उसकी वजह से बार बार लोग इधर उधर आ रहे, दिमाग खराब हो रहा था मेरा, बट उसमें तो ये नहीं कि मैं बैठ जाऊँगा और काम ही नहीं करूँगा, मैं एक्चुअली मेरे साथ हुआ कि मैं ऐसे इरिटेट हो गया और मैं ऐसे बैठे जाके लेट गया, मैंने कहा जो दिमाग खराब हो रहा है, लाइफ ही खराब है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं एक्सटर्नल सिचुएशंस को अपने काम को अफेक्ट नहीं करने दे सकता, बिकॉज मेरी एक चीज़ है जो मैं अपने आपको बहुत बार बोलता हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, और वो ये चीज़ है कि आई एम अनस्टॉपेबल, तो मैं रोक नहीं सकता और कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो इसलिए मैंने जाके रील्स बनाई, चाहे मेरा मूड था नहीं था, और अच्छी बनी, आप इंस्टाग्राम पे देखते भी होंगे, बट एनीवे वो हो गया, उसके बाद मैंने मस्त अपना वही खाना खाया जो हमेशा खाता हूँ, दिखा के भी क्या करूँगा, मैं सेम बोर हो जाओगे आप लोग, बट अब उसके बाद मैंने अभी अपने बाल धोए हैं क्योंकि मैंने रील्स बनाते हुए थोड़ा हेयर प्रोडक्ट्स यूज करे थे, अभी मैंने बाल धो लिए, इसलिए भी धोए हैं क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, अभी टाइम क्या, अलेक्सा व्हाट्स द टाइम,
7:43 हो रहे हैं शाम के, और मेरे को बाल कटवाने जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि कल लुधियाना जाना है अर्बन नीड्स की टी शर्ट्स फाइनल करने, एंड उसके बाद ट्यूजडे को मेरी एक शूट है और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, तो बाल अभी कटवाने पड़ेंगे। शानू भाई से मैं ऑब्वियसली कटवाऊंगा, पिछले 10 साल से उनसे ही कटवा रहा हूँ, नहीं 8 साल से, तो अभी उनसे ही कटवाऊंगा बाल। और उनके पास टाइम जनरली होता नहीं, आज संडे है, बड़ी मुश्किल से मैंने फोन करके मैं गिड़गिड़ाया हूँ, मैंने बोला है प्लीज प्लीज मेरी एक शूट प्लीज कर दो, उसके बाद जाके माने हैं वो, तो बढ़िया है मान गए। वो कह रहे हैं आओ वेट करना पड़ेगा आपको काफी, मैंने कहा ठीक है भाई बैठ जाऊँ, मैं बैठ के रील्स एडिट कर लूंगा थोड़ी सी, मेरे को क्या है, और उसके बाद मुझे डिनर पे जाना है, तो चलो चलते हैं। तो भाई पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने सोचा कि वॉक करके जाते हैं, फर्स्ट डिसीजन एवर, हट रही है यहाँ पे पोल्यूशन से। जैसे क्रू कट हमने किया था ना, ऊपर से उतने छोटे नहीं करने, क्योंकि ना ऊपर और ज़्यादा माथा छुपाना है मेरे को, तो यहाँ तक तो आए हैं, हाँ यहाँ तक आए। लास्ट टाइम तो करे थे थोड़े कितने करे थे ना, क्रू कट तो इतना था जो हमने एकदम वाला किया था, इस बार थोड़ा सा लॉन्ग रख दो ताकि माथा और छुप जाए, बाकी छोटे कर दो। थैंक यू हेयर कट के लिए, कूल हो गया, शानदार कट किया है भाई, बहुत प्यारा, काफ़ी सही लगा मेरे को। मेरे को वहाँ पे एक एक्चुअली फॉलोअर भी मिला जो कि काफ़ी कूल था मेरे सैलों पे, ये बट उस टाइम मैं जोन में नहीं था, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं है, बट आपको जब भी मैं कभी पब्लिक में देखूँ प्लीज़ मेरे पास आके हाय ज़रूर बोलना, गप्पे मारेंगे थोड़े से। एंड अब मैं जा रहा हूँ डिनर पे, पहुँच जाऊँगा। रेलवे स्टेशन तो टाइम पे पहुंच गया, बट इधर गर्मी से आप देख रहे हो तो गांड फट रहे हैं, और सुबह से कुछ खाया नहीं है दोपहर से, तो इसलिए बेस्ट हैक पीनट्स।